फ्रेंड्स, संदीप बागरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सीलिंग फैन की टेस्टिंग कैसे की जाती है और उसका कैपेसिटर के साथ किस प्रकार से कनेक्शन करना है। इसके अलावा सीलिंग फैन में यदि लीकेज दोष हो या उसके वाइंडिंग शॉर्ट हो या ओपन है तो इसे टेस्टिंग लैंप की सहायता से या मल्टीमीटर से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है, यह हम आपको इस वीडियो में तो इस पंखे बताएंगे। की सबसे पहले आप इस फैन के सबसे पहले आप जो ब्लेड्स होती हैं, इन ब्लेड्स को जिन्हें हम साधारण भाषा में पंखी भी कहते हैं, इन्हें आप बारी बारी से निकाल दें। ये ना इसमें बहुत साधारण है, ये स्क्रू दिए होते हैं, इन स्क्रू की सहायता से आप इसे आप एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लें। हमने पहले से ही इसे लूज़ कर लिया था। तो इन सारी पंखियों को निकालने के बाद, ब्लेड्स को निकालने के बाद, इनके जो स्क्रू हैं इन्हें वापस दोबारा से इनके सॉकेट में थोड़ा हल्का हल्का सा लगा दें, वरना इनके घूमने ये बहुत जल्दी घूम जाते हैं, इसलिए वापस इन्हें लगा दें। इसके बाद ये वाला स्क्रू खोल के ये पाइप लगा होता है ऊपर, इस पाइप को भी अलग कर लें। थोड़ा इसे थोड़ा ताकत लगा के आगे पीछे करके इसे निकालना पड़ता है। फिर अब सबसे पहले यदि मान लो आपका पंखा जैसे स्लो चल रहा था तो आप इसे एक काम कीजिए, सबसे पहले इस कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर दें, उसके पश्चात कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं हम सबसे पहले कि कई बार स्पीड जो कम होती है वो ख़राब कैपेसिटर की वजह से होती है। तो इसे आप सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ दोनों टर्मिनल से निकाल लें। इसके बाद ये जो दो टर्मिनल होते हैं इस कैपेसिटर में, ये दो टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनलों को आपको सप्लाई से लगाना है। जो आपका सप्लाई के लिए जो सॉकेट है 220 वोल्ट का, ये जो सप्लाई इसमें लगा के और इसे थोड़ी देर के लिए चार्ज होने दें, इसके बाद आप इसे बिना बंद किए इसे वापस निकाल लीजिए। इसके बाद ध्यान रहे कि इसके टर्मिनलों पर हाथ नहीं आना चाहिए, इसे आपस में टच करें तो ये एक चिंगारी देगा। यदि ये बहुत कम आवाज़ करता है चिंगारी की, तो समझ लीजिए कि आपका कैपेसिटर जो है बहुत ख़राब हो चुका है, आपको कैपेसिटर बदलना है। अभी ये पर्याप्त आवाज़ कर रहा था तो इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर जो है वह सही है। अब हम इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे। तो वाइंडिंगों को चेक करने के लिए आप ध्यान रखें कि आपकी दो वाइंडिंग है तो दो वाइंडिंग के कुल चार तार होंगे, प्रत्येक वाइंडिंग का स्टार्टिंग के दो सिरे होंगे और प्रत्येक वाइंडिंग के एंडिंग के दो सिरे होंगे, तो इस प्रकार कुल हमारे चार तार होंगे। अभी मैं आपको चित्र बनाकर बताता हूँ कि वाइंडिंग का वो कैपेसिटर का कनेक्शन किस प्रकार से रहता है, उसके बाद हम आपको इसको चेक करना सिखाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वाइंडिंग किस प्रकार से कैपेसिटर से जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो मोटर है हमारी, सीलिंग फैन की जो मोटर होती है, सीलिंग फैन की जो मोटर होती है आपकी, वह परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। कौन सी मोटर होती है इसमें? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होते हैं उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, इसके अंदर दो वाइंडिंग हैं। ये आप हम दोनों वाइंडिंग का आपको सेपरेट डायग्राम बनाकर बता देते हैं। ये पहली वाइंडिंग हो गई हमारी और इसके जस्ट नीचे हो जाएगी दूसरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग स्टेटर में स्थापित रहती हैं। ये कनेक्शन समझने के लिए ये थोड़ी जानकारी इसके बारे में हमको समझना ज़रूरी है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लें, उसके बाद आप कनेक्शन को बहुत इजीली समझ जाएंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दो वाइंडिंग होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें कुल चार टर्मिनल निकल रहे हैं, जैसे आप ये देखिए इसमें चार टर्मिनल निकल रहे हैं, एक दो ये तीन और ये
चार, दो पीले वाले और दो नीले वाले। तो जो चार वाइंडिंगें होती हैं, मतलब चार दो वाइंडिंगें होती हैं, इनके कुल सिरे कितने हो जाएंगे? चार, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे ये पहली वाइंडिंग है हमारी, दोनों वाइंडिंग वाइंडिंगें आइडेंटिकल होती है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पहली वाइंडिंग किसे माने, दूसरी वाइंडिंग किसे माने, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक समान हैं, तो आप किसी भी वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग और किसी को भी एक्जुलरी मान सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वाइंडिंगों के कितने सिरे हो जाएंगे? पहली वाइंडिंग का A1 और ये A2 सिरा, मतलब प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा। इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी वाइंडिंग है, उसका पहला सिरा और दूसरा सिरा, तो कितने सिरे हो गए? कुल चार टर्मिनल। जब आप कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन बहुत इजी होता है इसका। इसके कनेक्शन के लिए आप जो अंतिम सिरे हैं वाइंडिंग के, इन अंतिम सिरों को कनेक्ट कर दें, तो जो टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं चार, तो इसमें तो हमें पता नहीं है कि कौन सा अंतिम है कौन सा प्रारंभिक है, तो आप क्या करें, आप केवल किन्हीं भी दो वाइंडिंगों के टर्मिनल जो हैं, कौन सा प्रारंभिक है और कौन सा अंतिम है, किसी एक वाइंडिंग के दो सिरे कौन से हैं, ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो सिरों को किसी भी दो तारों को एक साथ सप्लाई देते हैं। यदि लैंप चालू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सिरे एक ही वाइंडिंग के हैं। जैसे यदि मान लो हमारी ये एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के एक टर्मिनल यहाँ पर मैं सप्लाई दूँ 220 वोल्ट की टेस्टिंग लैंप से, और यहाँ सप्लाई दूँ 220 वोल्ट की, तब क्या होगा? यदि ये जो टर्मिनल है ये एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं, तो हमारा जो लैंप सीरीज लैंप से जुड़ा हुआ है, ये लैंप जो है ये ग्लो करने लगेगा, ये ग्लो करने लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिरे जो हैं ये एक ही वाइंडिंग के सिरे हैं। तो ऐसे वाइंडिंग के दो सिरे आप जो हैं A1 और A2, B1 और B2, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि टेस्टिंग लैंप से किसी वाइंडिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कि कौन से सिरे जो हैं किसी एक वाइंडिंग के। तो आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एक काम कीजिए कि जो वायर हैं, जैसे ये वाला पीला वायर जो है पीले कलर में, सबसे पहले आप इन कलर के हिसाब से कोई भी एक वायर लीजिए और दूसरे वायर में इस टेस्टिंग लैंप के सिरे को टच कर दीजिए। देखिए, जैसे कि ये लैंप जो है हमारा ये ऑन हो रहा है, तो जैसे आप एक तरफ इसको हम लगा रहे हैं, तो ये देखिए आप, जैसे लैंप जो है आपका ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पीले जो कलर हैं, ये दोनों पीले तार जो हैं, ये एक वाइंडिंग का ही टर्मिनल हैं, एक स्टार्टिंग का है और दूसरा वाला जो है ये अंतिम है। इसी प्रकार से इन दो वायरों की भी आप पहचान कर सकते हैं, एक बार इसे भी आप चेक करके देख लें, क्योंकि तो हो सकता है कभी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हैं तब भी वो ग्लो करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है इसमें भी लैंप आपका ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों भी वाइंडिंग के एक ही सिरे हैं। ठीक है, तो वाइंडिंगों के दो दो सिरे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, एक वाइंडिंग के सिरे कौन से हैं, हमें ये नहीं पता कि यह वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा है कि यह वाला है। जब आप एक्चुअल वाइंड मोटर के जब कनेक्शन टर्मिनल चेक करेंगे, तो उस पर लिखा नहीं होता है कि प्रारंभिक का कौन सा है और अंतिम कैसा है, हमें केवल इतना पता चल जाता है कि ये दो टर्मिनल हैं एक वाइंडिंग के हैं और ये दो टर्मिनल एक वाइंडिंग के हैं। तो आप सबसे पहले कोई भी दो टर्मिनल लीजिए, अलग अलग वाइंडिंग से एक एक टर्मिनल लीजिए और उन दोनों वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में जोड़ दीजिए, और ये जो कॉमन टर्मिनल निकलता है दोनों को जोड़ने के बाद, यह हमारा न्यूट्रल बनाता है। यह कॉमन टर्मिनल जो होगा आपका, यह सप्लाई का न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये A2 और B2 को हमने जोड़ा है, अलग अलग वाइंडिंग के दो सिरे इनको जोड़ा है, तो अब जो हमारा एक्चुअल फैन वाइंडिंग है, इसमें देखिए आप, हमने पहले आइडेंटिफाई किया है कि पीले कलर के जो तार हैं ये एक वाइंडिंग के तार हैं और नीले कलर के जो तार हैं ये दूसरी वाइंडिंग के तार हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमको A2 और B2, यानी कि ये A2 इसे मान लें और इसे B2 मान लें, दोनों वाइंडिंग के एक एक तार को आप आपस में जोड़ दीजिए। इसके बाद जो दो सिरे बचते हैं, जैसे ये दो सिरे बच रहे हैं,
तो इन दोनों सिरों पर आप एक कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल को जोड़ देंगे। एक टर्मिनल A1 से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल B1 से जोड़ दिया। तो यह हमारा कैपेसिटर है, इसका एक टर्मिनल लीजिए आप और इसे जो पीले वाला तार है इस पर जोड़ देंगे हम, यानी एक वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ देंगे। अच्छी तरह से जोड़ दें आप। इसके बाद जो दूसरा तार है इसे दूसरे तारे इसे भी कैपेसिटर के अगले सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वाइंडिंग के दो सिरे आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, जैसे A2 और B2, ये हमारा A2 और B2 है, ये न्यूट्रल बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये जो स्टार्टिंग के सिरे हैं दोनों को एक एक कैपेसिटर से जोड़ दिया है। वो तीसरा जो सिरा था जो हमने दोनों को शॉर्ट करके वाइंडिंग के सिरों को बनाया था, यह जो है हमारा ये न्यूट्रल का काम करेगा। इसे आप न्यूट्रल वाले सॉकेट में लगा दें, या सबसे नीचे जो सॉकेट, सबसे नीचे ये जो सॉकेट है ये आपका न्यूट्रल का है। इसे आप प्लायर से निकाल करके इसे आप ये एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से थोड़ा ढीला कर लें। इसमें अच्छी तरह से इसे दोबारा ये लगा दें, तो ये आपका न्यूट्रल बन गया है। इसके बाद जो दो सिरे होते हैं, इन दोनों पर आप बारी बारी पर किसी पर भी फेस दे करके देख लें। यदि मान लो आपको पंखा सही तरह से सीधी तरह से घूम रहा है, फुल स्पीड में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने टर्मिनल सही जोड़ा है, और यदि नहीं तो फिर आप इसे चेंज करके देख लें। किसी पर भी आप यहाँ पर एक पे फेस दे दीजिए, किसी पर भी हम फेस देकर देख लेते हैं। यदि मान लो आपका मोटर वो उल्टी घूमे तो आप इस टर्मिनल को चेंज कर दें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक टर्मिनल कोई सा भी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा A1 है B1 है, तो इसे हम वापस एक को अपने जगह लगा देते हैं। यहाँ बीच वाली पिन पर किसी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखें आप। यदि सप्लाई जब कनेक्शन करेंगे तो आप ध्यान रखें कि इस पिन पर कोई सप्लाई नहीं देना है। इसे लगा दें आप अच्छी तरह से ताकि तार निकल कर कहीं शॉर्ट ना बनाए। इसे अच्छी तरह से लगा दें। इसके बाद जो ऊपर वाला सिरा है इस पर हम फेस देकर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कैपेसिटर को उसकी उचित स्थान पर लगा दें। कैपेसिटर को हम वापस अपने स्थान पर लगा देते हैं, अच्छी तरह से इसे लगा दें। करने के बाद जो हमने न्यूट्रल बनाया है वहाँ पर न्यूट्रल जोड़ दिया है और ये ऊपर हमने फेस जोड़ दिया है। अब इसे हम ऑन करके पंखे को एक बार देख लें कि ये फुल स्पीड पर घूम रहा है कि नहीं। तो देखिए ये पंख फैन जो है आपका यह पूरा स्पीड में घूम रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।